हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। आई एम रुचि गुप्ता। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर यूपीएससी जीडीसी स्क्रीनिंग एग्जाम, जो कि 15 मार्च 2022 के लिए हुई थी, जो कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं बताऊँ। तो मुझे लगा कि यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड जो है बात करनी चाहिए। तो इससे पहले कट ऑफ के बारे में हम बात करें, सबसे पहले उसके जो फैक्टर होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं कट ऑफ हमारा हाई जाएगा या लो जाएगा उसके, और वो उसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट हमारे आता है पेपर का लेवल, देन हमारा जो है सेकेंड नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल इन एग्ज़ाम, देन हमारा तीसरा आ जाएगा कितने स्टूडेंट जो है अपीयर हुए। ठीक, ये तीन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो आपके एग्ज़ाम को जो है डिटरमाइन करते हैं, तो कट ऑफ को जो है डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में देख लेंगे। तो टोटल जो है आपका 120 क्वेश्चन था, टोटल 120 क्वेश्चन था और सबके लिए जो है एक मार्क्स था, और निगेटिव जो है माइनस मार्किंग थी, यानी कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो आपके 1/3 मार्क्स आपके जो है सही वाले में से कट हो जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ये सब आपको पता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है जो कि मुझे लगा बताना चाहिए, ये वाला पॉइंट, कैंडिडेट्स हु प्रोवाइड मोर देन वन आंसर फॉर वन क्वेश्चन विल आल्सो गेट नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट क्वेश्चन। यानी जैसे कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने उसके ऑप्शन सी को आपने जो है कलर किया होगा, पर आपको लगा होगा कि ये गलत है, देन आपने डी वाले को भी कलर कर दिया उसी ऑप्शन के, तो ये जो है इस पर आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरली ये कंसीडर नहीं किया जाता है जब आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को जो है आप करते हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 1/3 माइनस करेंगे। ये वाला जो है इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसे रखा। दिस आंसर विल रिजल्ट इन अ 1/3 डिडक्शन, यानी कि आपका यहाँ पे जो है कट हो जाएगा। तो ये टोटल जो है आपका डिडक्ट होगा 0 पॉइंट, यानी कि अगर आपको जो कट ऑफ आपने कितना स्कोर किया उसके लिए आप जब आपकी आंसर की आएगी तो आप मैच करेंगे उसमें कि आपने कितना सही किया और फिर कितना गलत किया। जो सही किया उसके मार्क्स में से आपने जो गलत किया होगा उस मार्क्स को माइनस करना है, तो वो आपका जो है आ जाएगा टोटल क्वेश्चन। अब बात करेंगे टोटल सीट्स इन यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम। तो टोटल सीट की देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो देखिए ये इकोनॉमिक्स में जो है 5 आपकी सीट है, हिस्ट्री में 6 है, उर्दू में 2 है, इंग्लिश में ज़्यादा है 10, मैथमेटिक्स में 7, होम साइंस में 1, फिलॉसफी में 1, जूलॉजी में 5, जोग्राफी में 4, फिजिक्स में 2, साइकोलॉजी में 5, केमिस्ट्री में 4, पॉलिटिकल में 8, बॉटनी है 12, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इधर है, और कॉमर्स यहाँ पे देखिए काफ़ी बेनिफिट है, 21 सीट, एजुकेशन 5, सोशियोलॉजी 15, संस्कृत 8, हिंदी 6। ठीक, और इकोनॉमिक्स की डिटेल में बात करें तो सीट जो है यहाँ पे जनरल की जो है फर्स्ट एक थी, ओबीसी की एक थी, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस की भी एक थी, यानी टोटल जो है 5 सीट थी आपकी। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि पहले से आप जानते हैं, बैचलर में एटलीस्ट 45% था, मास्टर्स में जो है 55, एंड देन नेट आपको पास होना चाहिए था। ठीक, रिजर्व कैंडिडेट 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन इन पीजी, तो ये हमें नहीं देखना। अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था, तो मैंने भी इकोनॉमिक्स वाला पेपर दिया था, तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में ही यहाँ पे पेपर के लेवल में इकोनॉमिक्स में बात करूँगी, और जो भी मुझे कैंडिडेट मिले आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने पेपर जो है अटेंड किया, क्योंकि उनका कहना था कि कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात मैं बता रही हूँ, पेपर का लेवल यहाँ पे हम बात करेंगे तो मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट में रख नहीं सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर था, पेपर अच्छा ही था, और जीएस के जो पोर्शन थे उसमें जो रीजनिंग पार्ट था वो काफ़ी अच्छा था, और जीएस भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, तो जीएस ही काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि पेपर का जो स्कोर होगा वो कितना होगा। दूसरा जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, उन्होंने अटेंड किया था, और
बाकी सारे सब्जेक्ट की बात करें तो उन सारे सब्जेक्ट का भी लेवल जितना मुझे पता चला वो भी मॉडरेट लेवल का ही था। तो अगर बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ हाई ही जाएगी जहाँ तक लगता है। और बात करें मिनिमम जो परसेंटेज की, जो कि डिबेट अभी चल रहा है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल में देख लेंगे, तो उनका ये कहना है कि पेपर वन और पेपर टू में जो डिबेट है, पहले मैं उसकी बात करती हूँ। पेपर वन और पेपर टू में क्या है कि टोटल का मिला करके हमें 40% मार्क्स होना चाहिए, या पेपर वन में अलग से 40% और पेपर टू में 40%। तो ये डिबेट चल रहा है। कुछ लोग का कहना है ये वाला क्राइटेरिया है, कुछ लोग का कहना है ये वाला क्राइटेरिया है। इसका ये है रीज़न कि अगर ये वाला होगा तो पेपर वन में यानी आपको जीएस में भी कम से कम 12 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और यहाँ पे टोटल में हो जाएगा कि आप जीएस में कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं वो मैटर नहीं। तो जितना भी मैंने सर्च किया और अपने मतलब नोटिफिकेशन वगैरह देखे, तो उसमें आपका एटलीस्ट कम से कम जो है टोटल का उसने बोला है, टोटल का 40% बोला है, टोटल का 40% बोला है, यानी कि आपको जो टोटल 120 क्वेश्चन है उसमें से 40 क्वेश्चन यानी कि 12 चौके 48 क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो रहा है उनका 48, ठीक, 40% यानी 48 आपका होना चाहिए 12 चौके 48। और ये अलग अलग वाला जो है वो नहीं है कि आपको पेपर वन में भी अलग से 40% है उसका, जिससे कि ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ऑलरेडी आज की वीडियो लेंदी है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बात करूँगी। नेक्स्ट में जो है मैं डिटेल में बात करूँगी कौन से सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि इसके पहले का ये जो बैकग्राउंड था वो बताना ज़रूरी था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इकोनॉमिक्स के कट ऑफ में हाई ही जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक सीट है और एक एक सीट सब में है। जैसे एक जनरल है, एक ओबीसी है और एक ऐसे, तो एक सीट पे तीन लोगों को बुलाया जाना है। यानी अगर 5 सीट है तो कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, 15। तो और प्रेजेंट जितने लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और उसके अलावा ये सेकेंड टाइम जब अभी जो एक हफ्ते के लिए ओपनिंग हुई थी कि फिर से उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया था, उसकी वजह से भी कैंडिडेट ज़्यादा बढ़े हैं, तो कट ऑफ के हाई चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे इकोनॉमिक्स से लेकर के सारे सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ होगी। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।